नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 10 बजे बनवाए थे चीनी के पराठे, तो मैंने कहा अब आपकी चाय बनाने की बारी है। चीनी के पराठे, तो आ सकते हैं, आप लोग भी पी सकते हैं चाय, चाय। जो कि हमारे यहाँ इतनी टाइम कोई जगता तो यहाँ पे है नहीं, सब अभी सो ही रहे होंगे। इस कमरे में अंधेरा रहता ही है ना। लाइट इसलिए बहुत हो गया, बंद कर दिया। दोस्तों आज का हमारे यहाँ मौसम देख लीजिए, वहां से सूरज निकलता है, वहां पे लाल लाल सा हल्का दिख रहा है, और आज कोहरा भी नहीं है। देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, सुबह का ये मौसम है जो कि देखने में बहुत अच्छा ही लग रहा है। और यहाँ पे नंदिनी जी लगा रही हैं झाड़ू। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत स्पीड से भाई साहब झाड़ू लग रही है ना। ये जो आपको दीवार दिख रही है, आज इस पे भी चोर रखना है फिर से, जो कि इसको हल्का और आज हम लोग उठाएंगे, जो कि सूख भी गई है दीवार बहुत अच्छी तरह। देखिए पर धीरे धीरे ये भी काम होता ही जा रहा है हम लोग। ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरे में कंडे कंडे भरे हुए हैं, और अब और आगे जो कंडे बनाने हैं उसके लिए जगह चाहिए। तो आस्था के पापा सारे कंडे को ऐसे किनारे किनारे पे लगा दे रहे हैं, कम कम जगह में। फिर ये जगह देखिए ऐसे खाली होती जाएगी। नीचे से भी लग जाएगा ना। बहुत हैवी ये भी कंडे बने हमारे हाथ के। ये जो मोटे मोटे होंगे ये तो मेरे ही हाथ के होंगे, ये सब बद्दे बद्दे से। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आप सभी को लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए हमारे नए नए ब्लॉग आते रहेंगे। तो मैंने सोचा मैं भी इनकी मदद करवा दूं और कंडे मैं भी लगवा देती हूँ। तो ये सारे कंडे जो है ना, जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे हमारे हैं, हमने ही बनाए हैं। तो जगह भी हो जाएगी, और मतलब कंडे और बनाने के लिए जगह हो जाएगी। और ये जो कंडे हैं ये थोड़े से सूख भी जाएंगे, क्योंकि अब हमारे जो कंडे वो भी ख़त्म होने वाले हैं। तो क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो काम ही काम रहते हैं, और अब आ गए हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पे पहले झाड़ू लगा दूंगी, साफ सफाई कर दूंगी। घर में लाइट तो नहीं है, जा चुकी है। तो देखिए दोस्तों अब सूरज जी निकल चुके हैं, हमें तो दिख रहे हैं कैमरे में एकदम
लाल लाल से और अभी ऐसे रोशनी से दिख रही है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं आस्था के लिए टोस्ट लेने और बिस्किट दुकान की ओर। चलिए आपको दिखाता हूँ पूरा टूर। ये है दुकान के लिए यहाँ से रास्ता, जो कि ये रहा यहाँ से ऐसा। और कुल्ला हो रहा हुआ। ये दुकान के लिए हमारे यहाँ का ये दूसरा रास्ता यहाँ से जाता है, जो कि हमारे बड़े दादा की दुकान है वहाँ पे। यहाँ से ये गली गई हुई है। ओ हो, कहीं से सौदा ले ली जा लिया दादा। बिस्कुट दे दिया तू उठिया। आओ तो यहाँ पे दोस्तों अब बनना है थोड़ा सा नाश्ता वगैरह। तो मैं पतली पतली लकड़ियाँ तोड़ ले रही हूँ चूल्हे में बारने के लिए, क्योंकि मोटी लकड़ियाँ जल्दी से जलती नहीं है और इन दिनों सर्दियों का समय हो रहा है और पतली पतली लकड़ियों से चूल्हा जल्दी से जलने लग जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी करके इतनी बिलात बिलात। रुकना बना है ना, मैं अंदर ले जाती हूँ, जहाँ चूल्हे पे धरूंगी ना, जहाँ धरूंगी वहाँ का दिखाऊंगी। नीचे कहाँ खंगी है यहाँ का, चलो लड़ोरी फोर है चाह थी समझ। ठीक है दोस्तों, आज नाश्ते में बना रही थी मैं, आज चटपटे आलू बना रही हूँ। वैसे तो ये मुझे शाम को बनाना था, लेकिन मेरा इतना मन कर रहा था इसे खाने का कि मैं सुबह ही सुबह मन का चलो सुबह का नाश्ता ही हो जाएगा। और यहाँ पे आलू उबलने के लिए मैं चढ़ा रही हूँ, मतलब चूल्हा जलाया था मैंने आग तापने के लिए, फिर मैंने सोचा कि खाली जल रहे से अच्छा आलू ही चढ़ा देते हैं। दोस्तों क्योंकि हमारे यहाँ ना सुबह से एकदम बारिश का मौसम है, तो मैं सारे कपड़े जो बाहर डले थे तो उन्हें मैं उठा ले रही हूँ। सुबह सुबह का समय देखिए, शाम के समय मैंने डाले थे कपड़े, इतने तो नहीं सूखे हैं, जितने सूख गए हैं ले चलते हैं अंदर। झाड़ू भी उठा लिए मैंने, झाड़ू भी अगर भीग जाएगी तो ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों आलू उबल गए थे यहाँ पे, मैंने सारी मतलब तैयारी कर ली है जो चटपटे आलू मुझे बनाने हैं उसकी। और चटनी के लिए मैंने आम चुलियाँ ले ली हैं, आम को जो सुखा देते हैं ना कच्चे आम को, वो ले लिया है। धनिया की पत्ती, मिर्ची, लहसुन, नमक, इन सभी को पीस लूँगी। लाइट थी आ गई थी तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी इसे पीस लेते हैं वरना लाइट से ना चली जाए। कैसी बनी है चटनी? ये बनी है चटनी। आलू के पराठे नहीं बन रहे तो आलू का भरता है?
तो यहाँ पे दोस्तों आलू काट ले रहे हैं, उबल गए हैं, अब इसे मैंने काट लिए हैं क्योंकि जो चटपटे आलू बनाने हैं वो इसी प्रकार के बना रही हूँ मैं। और इन्हें अब तेल में फ्राई करेंगे, काट ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मिला दूँगी आरारोट, थोड़े से मसाले वगैरह, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। कलर के लिए मैंने लाल रंग लिया है तो वो मिला दूँगी। मैदा नहीं, तो पाउडर है, मैदा ही जैसा है। तो क्या है ये? सारी चीजें मिक्स करने के बाद मैंने इसे मिला लूंगी और अब मिलाऊंगी कलर, क्योंकि गीला नहीं है ना तो इसीलिए कलर हो नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया तो अब ये कलर जो लाल रंग का कलर है वो दिख रहा है। इसका क्या बनेगा मम्मा? चटनी डाल के खाएंगे। आज मम्मा क्या बनेगा? लड्डू। कितने लाल दिख रहे हैं पापा के फोन में, मम्मी के फोन में, पापा के मम्मी के फोन में कितने लाल दिख रहे हैं। लाल है ही जब लाल दिख रहे हैं किसी के भी फोन में हो। लाल कैमरा लगा दिया है, जल्दी जल्दी मन चले पकौड़े बंद कर दो। तो ऐसे चटनी परस के इसे परोसेंगे खाने के लिए और बहुत ही टेस्टी बनी है जितना आप। तो दोस्तों ये आज के चटपटे आलू तैयार हैं और बारिश का बाहर मौसम भी हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की, और हमने आज सुबह सुबह बनाए हैं ये। तो पहले आस्था और आस्था के पापा खा के देखेंगे कैसे बने हैं। मंचले पकौड़े, मंचले पकौड़े खाओ आस्था। बहुत गर्म गर्म है। आस्था के पापा और आस्था तो खा रहे हैं। दोस्तों आप सभी भी आ जाइए, गर्मा गर्म आप सभी के लिए भी मैं निकाल देती हूँ और आप सभी भी खा लीजिए। ये बने ऊपर से क्रंची और अंदर से ऐसे, और बहुत ही क्रंची है देखे। मेरे कंडे भी दिखाओ। मुझे कुछ करके फेंक दिया है इन छगरिया। बड़े मजे आ रहे घूमर उठाने में। साथी 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 मैं वीडियो कहाँ बना रही हूँ? साफ सुफ कर रहा हूँ घूमर उठाने में। तुम्हें कहा है? तो दोस्तों हम जा रहे हैं वो कतरने, जो आपको सामने दिख रहा होगा जबा जबा काटने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं, चलो आपको भी दिखाएंगे दोस्तों कैसे होते जबा। ऐसे आपको इधर ही पे दोस्तों ये दिख रहे होंगे, ये ऐसे ऐसे होते हैं जबा, पूरे में उगे हुए हैं।
पापा एक दिन मैंने भी काटे थे, हाँ मैंने गैया को खिला दिए थे। तो सब कुछ काम होने के बाद नाश्ता वगैरह किया हमने, उसके बाद अब आ गए हैं। टाइम था तो हमने सोचा कि चलो गोंदे बना लेते हैं और दीवार पे एक भित्ता और थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो आस्था के पापा ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है काम, अब वो दीवार रखेंगे और उसके बाद मैं गोंदे बना। देखिए दोस्तों इतनी दीवार उठ गई है आज, और एक बित्ता और उठ जा रही है। तो यहाँ पे आस्था के पापा लग गए हैं और वहाँ से मैं लाला के गोंदे दे रही हूँ, उसके बाद मैं भी गोंदे बनाऊंगी और आस्था के पापा रखेंगे। इस समय था हमारे पास सुबह, आज जल्दी जग गए थे तो काम करने के लिए टाइम था। तो अगर आप सभी को वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप सभी भूल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। कुछ गलती हो जाती है तो कमेंट कीजिए, अगर आप सभी का मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।